मित्रों, पिछले अध्यायों में हमने हरिओम जी के प्रवास के संकलित अंश में से श्याम संदेश पढ़ा था। इस अध्याय में यही कहूं कि इस सेशन में हम श्री कृष्ण का संदेश सुनने के बाद राधा क्या प्रतिक्रिया देती है, वह राधा संदेश के रूप में सम्मिलित किया गया है। उद्धव जब कृष्ण का संदेश राधा को सुना देते हैं, उसके बाद राधा की प्रतिक्रिया क्या आती है वह इसमें वर्णित है। पहला पद वंशज छंद में है, दूसरा भी उसी में। वंशस्थ छंद की विशेषता है कि जत जर इन तीन गणों के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। राधा कृष्ण का सुनने के बाद राधा की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अतीव हो अन्य मना विषादिता विमोचते वारी दरगा अरविंद से समस्त संदेश सुना ब्रजेश का ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा। राधा ने अपना कलेजा कड़ा करके उर वज्र सा हृदय को कड़ा करके हृदय के कोमल भावों पर संयम करते हुए अत्यंत अनमने दुखी और अश्रुधारा बहाते हुए पूरा का पूरा कृष्ण का संदेश सुन। फिर पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बहा अश्रु कभी स धीर था, कभी बहा अश्रु कभी स धीर था, कई स्व बातें बलवीर बंधु से दिखा क्रोत्रोचित क्रत्रोचित चित उचित। या राधा फिर कृष्ण को जो जवाब दे रही है उसके बारे में बताते हुए कभी कहते हैं कि शांत भाव से कभी रोते हुए और कभी धैर्य धारण करते हुए और स्त्रियों में उचित जो चित्र की शुद्धता होती है उच्चता होती है उसे धारण करते हुए अपनी बात है स्व बात है अपनी बात है बलवीर बंधु। बलवीर बलराम का नाम है, बलवीर बंधु कृष्ण हुआ या उद्धव भी ले सकते हैं क्योंकि अभी उनके सामने उद्धव बैठे हैं, तो उद्धव से अपनी बात कहती है। आगे के जो छंद है वो मंदाक्रांता छंद में है। राधा कह रही है कि हे उद्धव, मैं आज आपके दर्शन करके पुलकित हुई, मैं हूं उद्धव पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूं और कृष्ण के संदेशों को सुनकर और भी प्रसन्न हूँ। मंदी भूता पूर्तिमिर की ध्वंसनी ज्ञान आवा मंदी भूता जो प्रेम और विरह की आग को उद्दीप्त करने वाले भाव मंद हो गए थे, या यूं कहे कि हृदय के अंधकार को मोह को नाश करने वाली ज्ञान की आवाज जो मंद हो गई थी वह फिर से उद्दीप्त होकर उचित गति से उज्ज्वला हो अपने उचित
भाव से, यानी जो योग्य है उस तरह वो ज्ञान आवा उज्ज्वल हो गई, प्रकाशित हो गई। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत दिए, राधा आगे कहती है कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण इस पृथ्वी के रत्न के समान और स्थिर बुद्धि वाले हैं, इतना होते हुए भी श्री कृष्ण के संदेशों में उनका दुख प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि मुझसे दूर जाने का, ब्रजवासियों से दूर जाने की वेदना उनके संदेशों में फिर भी कहीं कहीं झलकती है। मैं नारी हूं, तरल हूं, प्यार से रुचित, उस पर मैं तो स्त्री हूं और मेरा हृदय अत्यंत द्रवित होने वाला है और अपने प्रिय से मैं पिछड़ी हुई हूँ, प्यार से वंचित हूँ, प्रिय के प्रेम से वंचित हूँ। यदि ऐसे समय में जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त व्यस्त, ऐसे समय में व्याकुल उदास अस्त व्यस्त रहती हूँ, तो इसमें विचित्रता की क्या बात है, ये तो स्वाभाविक ही है।